क्या आप भी अपने वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं और ऐसे में आपको नहीं पता है कि वीडियोस को एडिट कैसे करें, तो वेल ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपको ये जाना कि आप अपने वीडियोस को एडिट करना कैसे चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हे गाइस, मैं हूं लक्ष्य, तो आपको फिर से एक बार स्वागत है लक्ष्य यहाँ यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी वे में बताऊंगा कि आप अपने वीडियोस को एडिट करना कैसे कर सकते हैं। तो वीडियोस को एडिट करने के लिए आपको अपने पीसी में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिल्मोरा 9, जो कि मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करें इसको इंस्टॉल। तो बताए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, तो आपको विंडोज शेयर फिल्मोरा 9 डाउनलोड करने के लिए आपको पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है एंड आपको फिर सर्च बार पर टाइप करना है गेट इनटू पीसी। सर्च करने के बाद आपको जो पहला लिंक मिलेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा जो इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे डायरेक्टली वेबसाइट में जा सकते हैं। और फिर आपको इधर एक सर्च बार दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको टैप क्लिक करके सर्च करना है फिल्मोरा 9 आपको सर्च कर लेना इधर एंड आपको फिर जो पहला लिंक मिलेगा उसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये इफेक्ट्स पैक है ये फिल्मोरा 9 का। आपको जो ऑप्शन मिलेगा लास्ट में वंडरशेयर फिल्मोरा 9 सेटअप फ्री डाउनलोड, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे डायरेक्टली लिंक को ओपन कर सकते हैं। और फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, ये 512 MB का आपके पास रैम होना चाहिए और ये 300 MB का है पूरा सेटअप एंड आपको फिर इधर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको फिर जिस भी फोल्डर में आपको आपने उसको फिल्मोरा 9 का सेटअप डाउनलोड किया है उसको आपको ओपन कर लेना है। और फिर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक विन आर आर दिखाई देगी, ये जो आपको विन आर आर दिख रहा है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है एंड आपको फिर एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सट्रैक्ट हेयर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो इसका पासवर्ड है 123 और फिर आपको ओके कर देना है जस्ट टू ऑल। तो जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो मैं इसे नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट किया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको फिर ये फोल्डर ओपन हो जाएगा वंडरशेयर फिल्मोरा 9 का, इसको आपको ओपन करना है एंड आपके सामने एक और फोल्डर ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको फिर नीचे वंडरशेयर फिल्मोरा 9 के सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा, वह मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर लिया है एंड आपको फिर उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपके डेस्कटॉप पर ये कुछ ऐसा ये आइकन देखने को मिलेगा वंडरशेयर फिल्मोरा 9 का, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई फाइल इसमें इम्पोर्ट करनी है, इसमें आप इमेजेस भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑडियो भी, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंपोर्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको फिर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, या तो आप कंट्रोल आई प्रेस करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं इधर जे ओपन कर लेता हूँ जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो थी। तो ये आपके सामने कुछ ओपन हो जाएगी, मतलब कि जे इस वाले पार्ट में आ जाएगी आपकी वीडियो। अगर आपको इसको टाइमलाइन में लेके आना है, आपकी एडिटिंग स्टार्ट टाइमलाइन से होती है ना कि इधर जे वाले पार्ट से, तो आपको इसको टाइमलाइन पे लाना है। तो आपको इसे ड्रैग करके टाइमलाइन के ऊपर लेके आना है, या तो आप जे प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको फिर इधर कोई भी चूज कर सकते हैं मैच टू मीडिया की प्रोजेक्ट सेटिंग। मैच टू मीडिया में होता है कि ये पूरा जो प्रीव्यू एरिया है ये आपके वीडियो के हिसाब से सेट हो जाएगा, और कि प्रोजेक्ट सेटिंग्स में होता है कि
जो वीडियो है जे इधर प्रीव्यू एरिया के हिसाब से सेट हो जाता है कि प्रोजेक्ट सेटिंग पर आपको क्लिक करना है एंड आपके सामने जे ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। आपके सामने जे टाइमलाइन पे आ जाएगा तो इधर से आप इस टाइमलाइन की हाइट छोटी बड़ी क्लिक कर सकते हैं। वो आपको इधर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्लस मैनेज ट्रैक का, इस पर आपको क्लिक करना है एंड आपको फिर ऑप्शन दिखाई देगा एडजस्ट ट्रैक हाइट। इसमें जाके आपको आप कोई भी हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मल कर देता हूँ इधर। और फिर आपको इधर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे तो पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट मीडिया फोल्डर वन। तो जे वो वाला फोल्डर है जिसमें आपने अपनी फाइल्स इंपोर्ट की हैं एंड उसके नीचे आपको दिखाई देगा शेयर्ड मीडिया फोल्डर। इसमें जाने के बाद आपको जे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो मैंने खुद इंपोर्ट किया है जो कि मुझे हर वीडियो में चाहिए होता है। और फिर आपको उसके नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा सैम्पल कलर्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ जे ऑप्शंस मतलब कि कलर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आप अपने वीडियोस में लगा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली। तो मैं जे आपको लगा के बता देता हूँ। तो जे आप को ऊपर लगाना होगा मतलब कि ऊपर लगा सकते हैं इसे आप, या तो आप जे वीडियो के आखिर में भी इसको लगा सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए आपको सिंपली इसको ड्रैग करके नीचे लगा आना है। जो आपको ट्रैक वाला है उस पर आपको क्लिक, उस पर आपको इसको छोड़ना नहीं है, आपको उसके ऊपर जाना है एंड आपको फिर इधर छोड़ देना है इसको। तो आप इधर इसको ड्रैग कर सकते हैं टाइमलाइन पे। और आपको ये जो रेड और ग्रीन लाइंस दिखाई दे रही है इसका यूज होता है कि जब आपकी रेड लाइंस आए इधर तो आपकी जे प्रीव्यू का थोड़ा सा रुक रुक के चलेगा, और अगर आपकी जे ग्रीन है तो उतना उतना पार्ट आपका रुक रुक स्मूथली चलेगा। तो इधर हमारा आ चुका है जे। तो अगर आपको किसी फाइल को डिलीट करना है तो आपको पहले उस फाइल को सेलेक्ट करना है एंड आपको फिर कीबोर्ड पर डिलीट बटन को प्रेस करना है। इधर से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पार्ट को इधर स्प्लिट करना है वो आपको पहले इधर ये जो आपको रेड रेड लाइन दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं प्ले हेड। प्ले हेड से आपको पहले प्ले हेड को वो वाले पार्ट पे लेके आना है जिस पार्ट को हमें स्प्लिट करना है। तो मुझे इतना पार्ट सब स्प्लिट करना है। तो फिर इधर प्ले हेड लेके आने के बाद आपको फिर प्रेस करना है कंट्रोल बी प्रेस करना है। तो अब जैसे कि इधर देख ही पा रहे हैं ये हमारा स्प्लिट हो चुके हैं, मतलब कि टू वीडियोस बन चुकी हैं एक वीडियो से ही। तो वैसे ही आप दूसरी साइड भी कर सकते हैं कंट्रोल बी प्रेस करके, और जितना पार्ट आपको नहीं चाहिए वो उतना उतना आपको स्प्लिट करके वो वाले पार्ट को सेलेक्ट करके आपको डिलीट कर देना है। तो आपके जो वो वाली पार्ट डिलीट हो जाएगा। अगर आपको इधर कोई ऑडियो लगानी है तो आपको इधर ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपको फिर बहुत सारी ऑडियोस दिखाई दे जाएंगी इधर, वो आप इधर लगा सकते हैं एज बैकग्राउंड म्यूजिक। तो लगाने के बाद आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा वेव फॉर्म में एंड अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। इधर से आप इसकी वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, और ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है फेड इन फेड आउट का, इधर से आप इसे फेड इन फेड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। और इधर आप इसकी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक है तो इसलिए इसकी पिक्चर सेलेक्ट नहीं होगी। और इधर आप इक्वलाइजर भी लगा सकते हैं, बहुत सारे इक्वलाइजर हैं इसमें। अगर आपको इसको बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करना है आपको इसके ऊपर टिक करना है एंड आपको फिर सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी बैकग्राउंड नॉइस कितनी है। अगर बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी थोड़ी है तो आपको वीक पर रहने देना है, तो ज़्यादा है उससे थोड़ी तो आपको मिड में करना है, अगर बहुत ज़्यादा तो आपको स्ट्रोंग में कर देना है। स्ट्रोंग तो मैं मिड में कर लेता हूँ इसे एंड आपको फिर इधर ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप इधर
पूरा काम कर लेंगे। एंड आपको फिर इधर रीसेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा जो भी आपने इधर चेंजेस किए थे वो सभी रिसेट हो जाएंगे, तो ओके कर लेना आपको। और फिर अगर आपको किसी वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आपको पहले उस वीडियो को सिलेक्ट करना है, एंड उसके ऊपर आपको फिर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। एंड आपको इधर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रोमा की का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, टिक मार्क कर देना है इसको, या तो फिर आप इधर ये जो उसको वीडियो को सिलेक्ट करना है, एंड आपको फिर ये ऑप्शन दिखाई देगा ग्रीन स्क्रीन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये थोड़ा फास्ट है। एंड आपको फिर इधर इसकी ऑफसेट, टॉलरेंस, एज थिकनेस, एज फेड सेलेक्ट कर लेना है। आप इधर कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इधर इसको 100 में कर लेता हूँ। तो इधर से आप बहुत ही ज़्यादा इजीली इसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको इसको इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना है तो आपको पहले जितनी फाइल्स हैं टाइमलाइन 1 पे उसको आपको ऊपर लेके आना है। अगर आपकी ये फाइल पहले से ऊपर है तो आपको उसको छेड़ना नहीं है। एंड आपको फिर कोई भी इधर आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपको पीछे चाहिए एज बैकग्राउंड, तो मैं ये लगा लेता हूँ इधर। तो जैसे कि आप इधर देख ही पा रहे हैं ये मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा रिमूव हो चुका है, तो मैंने रफली किया है आपको बताने के लिए, आप इधर बहुत ज़्यादा स्मूथली कर सकते हैं। एंड फिर आपको अगर किसी वीडियो की ब्राइटनेस मतलब कि कलर चेंज करना है तो आपको इधर इसको ऊपर डबल क्लिक करना है, एंड आपको फिर ये ऑप्शन दिखाई देगा कलर, इसके ऊपर आपको टैप करना है। तो इधर से आप इसका कलर सेट कर सकते हैं। इधर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको एडवांस का, इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ ऐसा ये विंडो ओपन हो जाएगी। इधर से आप इधर इसको एडवांस लेवल की इसके कलर सेट कर सकते हैं। इधर आपको प्रीसेट देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, तो मैं ये लगा लेता हूँ टीवी, फार ईस्ट, जंगल, बहुत सारे प्रीसेट साइंस में। एंड आपको फिर इधर ओके कर लेना है। जब आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे पूरा कंप्लीट, एंड आपको फिर ओके पर क्लिक करना है। और अगर आपको किसी वीडियो को क्रॉप करना है तो आपको पहले उसे वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको कोई भी वीडियो पर काम करना है, या फिर ऑडियो या इमेज, उसको पहले आपको सेलेक्ट करना है तभी आप उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। तो आपको पहले वो वाली फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आपको क्रॉप करना है। एंड आपको फिर ये ऑप्शन दिखाई देगा क्रॉप का, या तो आप आल्ट सी प्रेस करके भी इसे क्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे आप आल्ट सी प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ ये विंडो ओपन हो जाएगी। एंड आपको इधर एक रेशियो का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे आप इधर इसका रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं आप इधर और ज़्यादा इजीली कस्टम कर सकते हैं। एंड आपको फिर ओके पर क्लिक करना है। और अगर आपको जूम करनी है वीडियो पैन एंड जूम, तो इससे करने के लिए आपको पहले वो वाली फाइल को सिलेक्ट करना है, एंड आपको फिर आल्ट सी प्रेस करना है। आल्ट सी प्रेस करने के बाद आपके सामने कोई ये क्रॉप वाला ही ओपन हो जाएगा, और क्रॉप के साइड में ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पैन एंड जूम का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप इधर से इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर स्टार्ट बड़ा है तो आपका ये जूम इन होगा, अगर स्टार्ट छोटा है तो आपका ये जूम आउट होगा। तो मैं इधर से ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड आप इधर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली। एंड आपको फिर ओके पर क्लिक करना है। एंड आप जैसा कि इधर देख ही पा रहे हैं, तो आप जैसे कि इधर देख ही पा रहे हैं कि मेरी वीडियो धीरे धीरे करके जूम इन हो रही है। तो इधर से आप इसे जूम इन कर सकते हैं। अगर आपको किसी इमेज की लेंथ ज़्यादा करनी है तो आपको पहले उसको सिलेक्ट करना है, एंड आपको फिर उसके कॉर्नर पर कर्सर लेके जाना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा कर्सर कुछ ऐसा शेप ले लेगा, फिर तो आपको उसको क्लिक करके ड्रैग करना है। तो आप इधर से जूम इन कर सक मतलब कि
इसकी लेंथ ज्यादा कर सकते हैं। तो इधर तो जैसे ही आप किसी कट पर से लेके जाएंगे तो आपका ये स्नैप हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है फीचर स्नैपिंग का। एंड आपको फिर अगर कोई वीडियो को इफेक्ट्स लगाने हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको इधर इधर वाली साइड ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो आपके इफेक्ट्स के ग्रुप्स हैं, कि आप बहुत ज्यादा इजीली इधर इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो इफेक्ट्स लगाने के लिए आपको कोई फाइल सेलेक्ट भी नहीं करने पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा इजीली इफेक्ट लगा सकते हैं आप। तो ये डाउनलोड हो रहा है मेरा इफेक्ट, तो ये इफेक्ट डाउनलोड हो चुका है मेरा। तो आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट एंड लाइट लीक 4 हो चुका है। और अगर आपको किसी वीडियो में टाइटल ऐड करना है तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा टाइटल का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे टाइटल्स ओपन हो जाएंगे। तो फिल्मोरा 9 में 259 टाइटल्स हैं जैसे कि आप इधर देख ही पा रहे हैं। एंड आपको फिर इधर टाइटल ऐड कर लेना है। तो टाइटल आपको किसी वीडियो वीडियो पे ड्रैग करके नहीं छोड़ना, बल्कि आपको उसे न्यू टाइमलाइन पर ऐड करना है। एंड आपको फिर अगर आपको उस टाइटल को तो आपको अगर कोई टेक्स्ट को एडिट करना है तो आपको उस टेक्स्ट को डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप इधर इसको एडिट कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली। तो मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ एडिट वीडियो ट्यूटोरियल, तो मैं ये इधर सेलेक्ट कर लिया हूँ। एंड आपको फिर ये वाला पार्ट इधर सेलेक्ट हुआ है। अगर आपको फिर दूसरे किसी पार्ट को एडिट करना है तो आपको उसके ऊपर जो आपको प्रीव्यू एरिया दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड आपको फिर इधर इसको सेलेक्ट करके आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको इसे नाम देना है। तो मैं ये दे रहा हूँ इसको नाम। एंड आप इधर इसके स्टाइल से देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टाइल है इसके। तो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सॉफ्टवेयर। एंड आप इधर इसके कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इसकी टेक्स्ट स्पेसिंग भी आप सेट कर सकते हैं। एंड आपको फिर इधर लाइन स्पेसिंग देखने को मिलेगी। लाइन स्पेसिंग भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। एंड आपका उसके एक और ऑप्शन दिखाई देगा अलाइनमेंट, इधर आप इसको अलाइन कर सकते हैं आपको जो टॉप मिडल राइट लेफ्ट कॉर्नर पे चाहिए तो बहुत ज़्यादा इसे सेलेक्ट कर सकते हैं इधर। एंड आप इधर इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इधर आप इसे रोटेट कर सकते हैं, स्केल इसका ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। तो इधर आपको कंपोजिटिंग भी देखने को मिल जाएगी इधर इसकी। एंड आप इधर इसे ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। एंड आपको फिर ओके पर क्लिक कर लेना है तो आपका जेस ओपन मतलब कि जे आपका सेव हो जाएगा। और अगर आपको कोई प्रीव्यू एरिया में इमेज या वीडियो जूम कर मतलब कि बड़ी या छोटी करनी है तो आपको पहले उस इमेज उस पर क्लिक करना है टाइमलाइन पे। एंड आपको फिर उस पर ऐसे एक सिलेक्शन देखने को मिलेगी। एंड आप इधर से इसे रिसाइज कर सकते हैं, या तो आप इस वीडियो पर डबल क्लिक करके आपको वीडियो पर टाना है। एंड आपको फिर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म का, इधर से आप इसे कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली। और इधर आप इसे सेट कर सकते हैं कि आपको इधर कहाँ चाहिए जे वीडियो, रोटेट भी कर सकते हैं आप इधर। एंड आपको फिर ओके कर लेना है। तो ये हमारा जहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको कोई इधर ट्रांजिशन लगाना है तो आपको ट्रांजिशन का भी टैब देखने को मिल जाएगा इधर टाइटल के बाद ही। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे। तो फिल्मोरा 9 में 124 ट्रांजिशन है।
तो मुझे इधर बेस्ट लगता है डिजोल्व फेडिनेंड फ्लैश का। तो इधर आप बहुत ज़्यादा इजीली से ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो ट्रांजिशन में हमेशा आपको दो फाइल के बीच में लगाने हैं, ना कि फाइल के ना ज़्यादा राइट में ना ज़्यादा लेफ्ट में। और आप इधर इसके इसको भी ट्रांजिशन को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आपको मैं ये प्ले करके बता देता हूँ। तो इधर मेरा ट्रांजिशन इसलिए वर्क नहीं करा क्योंकि ये मेरा रेंडर नहीं हुआ अच्छी तरह। तो अगर आपको रेंडर करना है तो आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं ये रफली कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। एंड आपको फिर अगर आपको इधर कोई एलिमेंट लगाना है तो आपको एलिमेंट का भी ऑप्शन दिखाई दे जाएगा एलिमेंट्स में। इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं ये वाला एलिमेंट इधर लगा लेता हूँ अपने वीडियो में। तो ये डाउनलोड हो चुका है एलिमेंट मेरा। एंड आप जैसा कि इधर देख ही पा रहे हैं, ये इधर रेंडर की रेड लाइन आ चुकी है, तो इसलिए ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इधर, आप बहुत सारे एलिमेंट्स लगा सकते हैं। इसको भी आप रिसाइज कर सकते हैं। एंड आपको फिर अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन करनी है, मतलब कि टू वीडियोस को एक ऊपर एक नीचे लगाना है, तो आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा स्प्लिट स्क्रीन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्प्लिट स्क्रीन से देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जे ड्रैग करके नहीं लगाना, ड्रैग करके लगाना है। तो मैं इधर एलिमेंट इमोजी पर लगा लेता हूँ इसे। तो जे मेरा हो चुका है। एंड आपको फिर जे तीन ऑप्शन, मतलब कि आप जितने लगाए हैं उतने आप इधर लगा सकते हैं। तो आप इधर जे भी लगा सकते हैं, इधर आप इसे इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इधर आप फिल्मोरा 9 में आप बहुत ज़्यादा इजीली स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं, जो कि बाकी सॉफ्टवेयर्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है स्प्लिट स्क्रीन का। एंड आपको फिर ओके पर क्लिक कर लेना है। ओके पर क्लिक कर लेना है आपको। और अगर आपको किसी इमेज की शेडो बनानी है, शेडो बनाने के लिए आपको उस इमेज पर, मतलब कि उस वीडियो या इमेज पर डबल क्लिक करना है। एंड आपको फिर ये ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉप शेडो का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने शेडो चाहिए इधर। तो मैं इतना रख लेता हूँ इसे, ब्लर ओपेसिटी। एंड आप इधर इसे शेडो का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप इसका अलाइनमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं इधर, और फिर आपको ओके कर लेना है। और अगर आपको किसी वीडियो की लेंथ, मतलब कि स्पीड स्लो या फास्ट करनी है, तो आपको पहले उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर ये ऑप्शन दिखाई देगा स्पीड का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इधर इसे स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, फ्रीज फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं, और रिवर्स भी क्लिक कर सकते हैं। तो फास्ट मैं 2x कर लेता हूँ इधर, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी मेरी वीडियो। तो आप जैसा कि इधर देख ही पा रहे हैं, इधर 100x का भी ऑप्शन है। 100x करेंगे तो ये बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी। तो मैं इसे 2x पे आने देता हूँ क्योंकि आपको ये अच्छे से दिखाई नहीं देगी तब। और फिर आपको अगर किसी वीडियो को डिलीट करना है, तो आपको ये ऑप्शन दिखाई, उसको सेलेक्ट करना है। तो आपको फिर ये ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जब आप इसे कर लेंगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और फिर आपको अगर पीसी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, तो आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा इम्पोर्ट, मतलब कि रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड पर आपको क्लिक करना है।
तो आप इधर रिकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, वॉइस ओवर भी दे सकते हैं आप इधर अपना। और जब आप इधर पूरा कंप्लीट अपना एडिटिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको जो एक्सपोर्ट करनी होगी, तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे जहाँ पे है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा जो विंडो ओपन हो जाएगी, एंड आपको फिर सेटिंग्स भी कर सकते हैं आप इधर इसकी, इसका फ्रेम रेट सेट कर सकते हैं, क्वालिटी सेट कर सकते हैं, क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं आप इधर इसकी, तो इसका ऑडियो भी सेट कर सकते हैं, इनकोडर चैनल सैम्पल बिट रेट, और फिर आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आप इधर इसका नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट, तो मैं इधर दे देता हूँ नाम इसका एडिट वीडियो ट्यूटोरियल, और फिर आप इधर ये ऑप्शन दिखाई देगा सेव टू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और आप इधर इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इधर कहाँ पे सेलेक्ट करनी है इसको, और फिर आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा एक्सपोर्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आपकी एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यही था आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आई वीडियो करना लाइक, अगर आपका चैनल पर नए चैनल करना सब्सक्राइब, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।